नवरात्रि शुरू हो चुका है, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल का हमारे घर का कार्यक्रम अच्छे से हो गया, कुछ कुछ सामान बच गया है खाने का, चावल खूब सारा बच गया है। मैं दिखाती हूँ उसका क्या हो रहा है हमारे घर में बचे हुए चावल का। आइए देखते हैं। फिर हमारे इधर छत्तीसगढ़ में चावल बच जाता है तो उसका बड़ी बना देते हैं इसको, इस तरह से देखिए बन रहा है। इसको सुखाएंगे फिर तल के खा लेते हैं, चावल में अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग के घर में चावल बचता है तो उसका किस तरह से उपयोग करते हो। ये रही त्रिशा, खिलौना खेल रही है अकेले अभी। इसके भाई बहन लोग अभी नहीं आए हैं खेलने के लिए। ये है मेरी बहन शीतल, इसको अभी लड़के वाले लोग देखने के लिए आने वाले हैं तो अभी वेट कर रही है ये अभी उन लोग के आने का। और शीतल कुछ बोलना चाहोगे कल के कार्यक्रम के बारे में? बताइए। भाभी के तो मैं फर्स्ट बार देखी कर, तो बहुत अच्छी लगी। और बात भी की हम लोग दोनों को ही बुला के मारी थी थोड़ा सा, वो फर्स्ट टाइम आई थी इसलिए फ्रैंक हो जाएगी बात। और वैसे भी हम लोग फ्रैंक बना ही देंगे। आज रात को मुनगा सब्जी बनने वाला है तो उसका तैयारी चल रहा है, काट के छील रहे हैं मुनगा को। त्रिशु भी छील रही है मुनगा। ये रहा वंशु, वंशु जस्ट अभी सो के उठा है, कल तो ठीक से सो भी नहीं पाया था मेहमानों के कारण। हमारे घर के बाहर ही मंदिर है शंकर भगवान का, ये देखिए। मुनगा सब्जी बनना शुरू हो गया है, देखिए मुनगा को भूंज रहे हैं अभी, उसमें आलू और बड़ी डाल के बनाएंगे मुनगा बड़ी आलू। इधर दूध को बॉईल कर, सुबह बनाए थे बचा हुआ चावल का बड़ी, वो थोड़ा सा सूख गया है इसलिए उसको तल दिए हैं, खाएंगे फिर चावल में। ये रही मम्मी, चावल धो रही है अभी। ये देखिए पोर्च में बुग्गू खेल रहा है अभी, घर अंदर परेशान कर रहा था तो इसको पोर्च में निकाल दिए हैं तो यहीं पे खेल रहा है। यहाँ पे ठंडा ठंडा लग रहा है इसलिए उसको अच्छा लग रहा है। प्लेट को दे दिए, प्लेट को बजा बजा के खेल रहे हैं। इसको बाहर जाने का रास्ता पता हो गया है, बाहर जा रहा है। देखिए घर का बाहर। ये रहा मुनगा सब्जी, मुनगा बड़ी आलू, अब खाने का तैयारी होगा। बाहर सब बैठे हुए हैं, दिखाती हूँ। आशिक